नमस्कार, सुशील संवाद में आपका स्वागत है। मैं शशि भूषण। कोरोना का संकट काल चल रहा है और काफ़ी ही बिकट समय है। ऐसे में जो जिम्मेवार लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो दो दो जिम्मेदारियां निभा रहे। एक तरफ कोरोना की जो है लड़ाई में वो आगे लड़ रहे हैं और व्यवस्था आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो दिनचर्या है, रोज का जो काम है, उसको भी संचालन करना है। दोहरी भूमिका है और चुनौती भी काफ़ी बड़ी है, इसलिए कि कोरोना का जो संकट है वो पहले से दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। आज हमारे साथ जो है अंचला अधिकारी अनुराग तिवारी जी हैं, जमशेदपुर एक बड़ा ब्लॉक है और इनसे हम कुछ बात करेंगे। पहला सवाल ये कि इंक्रोचमेंट को लेकर, अतिक्रमण भूमि को लेकर जमशेदपुर में काफ़ी कुछ चल रहा है, आए दिन बयानबाजी भी होती है, नेतागिरी भी होती है, क्या कुछ प्लान अभी चल रहा है ताकि वैसे लोगों को रोक पाएँ जो इंक्रोचमेंट करके ज़मीन को बेच रहे हैं? जमशेदपुर में बेसिकली एक टाटा लीज की भूमि है और बाकी क्षेत्र में अनाबाद बिहार सरकार की भूमि है, जिसमें अतिक्रमण का शिकायत लगातार आता है। अभी सरकार के निर्देशानुसार जो भी ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार की है उस पर हम लोगों ने बोर्ड लगाना शुरू किया है। कोरोना काल में गति इसकी थोड़ी धीमी हो गई थी, इसको और तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं और जितनी भी सरकारी भूमि है 100% भूमि पर हम लोग सरकारी भूमि होने का बोर्ड लगाएंगे। और हम लोग टाटा से पूर्व में पत्र लिख के आग्रह किए हैं कि उनकी जो भी लीज की भूमि है उन पर वो बोर्ड लगाए, फिर से उनको आग्रह करेंगे और उनकी ज़मीन पर भी 100% बोर्ड लगा के अतिक्रमण को रोकने का प्रयास करेंगे। बोर्ड लगाने के बाद भी कोई नहीं अगर मानते हैं, अतिक्रमण का प्रयास करते हैं, तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। आदमी जो है इस चक्कर में काफ़ी छला जाता है, कई बार ऐसी हो चुकी है घटनाएं और होती रहती है सर, कि उन्हें नहीं पता है भूमि के बारे में, वो सोचते हैं कि हम पैसे देकर खरीदें, तो किस तरीके से जो है आम आदमी सर अगर ज़मीन लेने से पड़े उस फर्जीवाड़ा से बचे, वो क्या क्या जो है अपने एक तरह के सावधानी बरत सकता है? कोई भी व्यक्ति को ज़मीन खरीदने से पहले ज़मीन के खतियान के बारे में कि उसकी ज़मीन की प्रकृति क्या है, अगर खतियान में वो ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार की है और खुद अगर व्यक्ति वो नहीं समझ पा रहा खतियान को, पंजी टू को, दखल कब्जा की स्थिति को, तो उसको अंचल कार्यालय में संपर्क करके जो भी हल्का कर्मचारी हैं उससे संबंधित जो कागजात हैं उनका सत्यापन कराना चाहिए और सत्यापन कराने के बाद ही ज़मीन लेना चाहिए। होता है कि इसे कागजात में, आज तो ऑनलाइन हो गया है तो हर कोई उस खाता और खतियान नंबर से देख सकता है कि एक ज़मीन है या नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी स्थिति है उसको कैसे समझा जाए? इसलिए हर आदमी को नक्शा और ड्राइंग तो नहीं समझ में आता नहीं है, अगर क्या जो ज़मीन ऑनलाइन दिखा रहा है वो सही है? आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है और बहुत सार्थक प्रश्न है, क्योंकि बहुत से मामले में काम करने के क्रम में ये हम लोग देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कागजात तो रहती ज़मीन का दिखा दिया जाता है, लेकिन कई मामलों में उनको दखल सरकारी ज़मीन की ओर दे दिया जाता है, जिससे वे व्यक्ति छले जाते हैं। जब वो निर्माण कार्य करने जाते हैं तो उनको अंचल कार्यालय द्वारा रोक दिया जाता है और तब उनको जाकर पता चलता है कि ज़मीन तो वो कागज दूसरी जगह का है और उनको दखल बिहार सरकार की ज़मीन पर दिला दिया गया है। ऐसे स्थिति में भी ज़मीन खरीदने से पहले नक्शा से अगर स्वयं मिलान नहीं कर पाते हैं तो अंचल कार्यालय में संपर्क कर उनको ज़रूर इस चीज़ को देख लेना चाहिए। और अगल बगल के लोग जो ज़मीन खरीदे हैं, बहुत पूर्व से खरीदे हैं, तो उनसे भी बात करके उसके खाता प्लॉट के बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए। चलिए, बहुत ही संक्षिप्त में आपने इन सवालों का जवाब दिया। ऐसे सवाल कई हैं लेकिन उन सवालों का जवाब कभी और उन सरकारों से लिया जाएगा जो इसके लिए जवाबदेही है, इसलिए कि अभी बहुत ही लैंड मोटेशन बिल को लेकर काफ़ी हो हंगामा मचा हुआ है पक्ष और विपक्ष को लेकर, लेकिन उन सवालों का जवाब उन जवाबदेह जो लोग हैं उनसे लिया जाएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं शशि भूषण, सुशील संवाद न्यूज़ जमशेदपुर।